नमस्कार मित्रों, आप सर्व साथियों नु अपने यूट्यूब चैनल में फरी एक वक्त दिल थी स्वागत छे। अत्यारना ताजा ने महत्वना समाचार, कोरोना नी कपरी परिस्थिति में कॉलेज शुरू करवानो निर्णय, मोंघवारी थई बेकाबू ने सीएमए करी जाहेरात, 5 दिवस काम अने 2 दिवस रजा, जेवा समाचार जाणीए मित्रों। ए पहला आप जो चैनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, कारण के रोजना ताजा ने अगत्यना शैक्षणिक समाचार सौथी पहला अमे तमने पहोंचाड़ता रहीशुं। वीडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करजो अने वधु ने वधु तमारा मित्रों ने शेर करजो। सौथी पहला विश्वना अनेक देशों खोटी आर्थिक नीति ने कारण कंगाल थया छे। पाकिस्तान, श्रीलंका, वेनेजुएला अने सीरिया की स्थिति खराब छे, मोंघवारी असह्य बनी छे। पाकिस्तान में बात करें तो घरेलू गैस सिलिंडर 2560 रुपया में वेचाई रही है, जयरे दूध की किमत 150 रुपया लीटर बनी रही है। श्रीलंका में मरचा की किमत 700 रुपया किलो मे, जयरे वेनेजुएला एक टमेटा की किमत 10 लाख बॉलीवर थी है, जयरे सीरिया में डीजल 1700 सीरियल पाउंड में वेचाई रही है। त्यारबाद गुजरात में कोरोना नवा केस ने लईने आज थोड़ा राहतना समाचार है। राज्य में आज 14,000 थी वधु नवा केसों नोंधाया है, तो 20,000 थी वधु दर्दी रिकवर पण थया छे। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,28,000 थी गई है। राज्य में रिकवरी रेट 87.50% थयो छे। आज गुजरात में कोरोना ने कारण 21 दर्दी मौत थया छे, जेमा तमने मित्रों जणावी दईए छे के गुजरात में जे केसों नोंधायामां सौथी वधु अमदावाद में 5,248 केसों नोंधाया छे, त्यारबाद वडोदरा में 2,412, राजकोट में 944, तो सूरत में 934 केस नोंधाया छे। 4 महानगरों में आज कोरोना ने कारण मौतना आंकड़ा पर नजर करिए तो सौथी वधु अमदावाद में 9, सूरत में 3 अने वडोदरा राजकोट में 1-1 मौत नोंधाया छे। આગળના સમાચાર, છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રીએ આજે 73મા ગણતંત્ર દિવસના અવસર પર મોટી જાહેરાત કરી છે। તે મુજબ હવે તમામ સરકારી કર્મચારી અઠવાડિયામાં 5 દિવસ કામ અને 2 દિવસની રજા આપવામાં આવશે, ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર યોગદાન પેન્શન યોજનામાં 10%ને બદલે 14% યોગદાન આપશે। આગળના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, મહારાષ્ટ્રમાં 1 ફેબ્રુઆરીથી કોલેજ શરૂ થઈ રહી છે। ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રી અંગેની માહિતી આપી હતી। છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કોલેજ શરૂ કરવા અંગે સતત માંગ થઈ રહી હતી। અભ્યાસમાં ઘણું નુકસાન થવું તેમજ અન્ય બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને કોલેજ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। સરકારે આ અંગે આદેશ પણ જાહેર કર્યો છે, જે મુજબ વિદ્યાર્થીઓ રસીના બંને ડોઝ લીધા હશે તેઓ ઓફલાઈન લેક્ચર ભરી શકશે।